स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए ब्लॉग के अंदर। तो अभी मैं एक ऑर्डर लेके आया था नजफगढ़ का, अभी दिया है मैंने कस्टमर को। तो आप देख रहे हो भाई जी, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, बहुत ज्यादा मुश्किल से आया हूँ, बहुत आराम आराम से बाइक लेके आया हूँ। अभी मैं पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ, नजफगढ़ का पेट्रोल पंप है CNG। तो अभी मुश्किल हो रहा है जाना, कैसे जाएंगे, बिल्कुल भी दिख नहीं रहा। ये देख रहे हो आप, बहुत ज्यादा धुंध है, बहुत ज्यादा, पास खड़ा हुआ भी नहीं दिख रहा। ये देख रहे हो, और जिसका मैंने ऑर्डर दिया है ना, वो कह रहा है कि पिज्जा ठंडा हो गया। अब ये नहीं बंदे को पता कि रात के अंदर बंदा कैसे ऑर्डर को लेके आए यहाँ तक, तुम्हारे तक ऑर्डर पहुंचाना, वो ही बहुत बड़ी बात है। 1% भी दिख नहीं रहा गाइज, आप देख रहे हो। ये देखो, अगर मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ ना, ये देखो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, बहुत ज्यादा धुंध है, 1% भी नहीं दिख रहा। तो अभी मैं जाऊंगा द्वारका मोड़, देखते हैं, आराम आराम से जाना पड़ेगा भाई। मैं तो कहता हूँ रात के टाइम में ना, सर्दियों में कोई भी काम ना करो, कभी लालच के चक्कर में आप काम करो। मेरा ID बंद करने वाला था, लेकिन एकदम से ऑर्डर आ गया। अब मेरा मन नहीं कर रहा था कि भाई इसको मैं कैंसिल करूँ, नहीं दूसरा बंदे पे ऑर्डर बसता, तो इसीलिए मैंने इस ऑर्डर को उठा के अभी मैंने ऑर्डर दिया है। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ द्वारका मोड़ की तरफ, वहाँ से फिर आराम से घर जाऊँगा। आप देख रहे हो नजफगढ़ का कितना बुरा हाल है भाई, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। और मेरे आगे जो बाइक वाला था ना, उसके साथ साथ मैं थोड़ा आया हूँ, लेकिन भाई रात में मैं जो कहता हूँ ना, जिनकी रात की आइडिया भाई, दिन में काम कर लो वो सही है, तो कोई फायदा नहीं है भाई रात में काम करके, नुकसान हो जाएगा, 1% नहीं दिखता भाई। ये देखो ट्रक जा रहे हैं और पता नहीं लग रहा क्या जा रहा है। ये देखो भाई, ट्रक गाड़ी का कुछ भी नहीं पता लग रहा है। देखो ये जा रही है गाड़ी, ट्रक जा रहा है, उसके पीछे गाड़ी है, ये देखो। तो गए सभी रात के करीबन 2 बजने वाले हैं, और आप देख रहे हो कितनी फॉग पड़ रही है यार, बहुत ज्यादा। देखो भाई, अपने सभी राइडर के लिए ना दिल से सलूट है यार, जो भी रात में काम कर रहे हैं ना। ये देखो यार, एकदम से ना मुंह पे आती है, कुछ दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा ना भाई। ये देखो भाई, ये बैठे हैं हमारे सभी राइडर के पास बैठे हैं। और उस्ताद क्या हाल चाल? बढ़िया। बहुत बुरा हाल है यार नजफगढ़ में, कोहरा बहुत, इतने धुंध है ना, बहुत ज्यादा, बड़ी मुश्किल से आए यार। देखो ये देखो गाइस, मेरा है भाई पुन्नी गिल के नाम से। अरे मेरे पे है, सब्सक्राइब कर रखा है। हमारे सभी राइडर बैठे हुए हैं भाई, आग सेक रहे हैं। कमाई फिर भी नहीं होती भाई, नहीं होती, बिल्कुल। स्विगी के अंदर जोमेटो के मैनेजर आए हैं, जब से स्विगी का हाल बेकार है, पहले वाली स्विगी नहीं रही है पाजी। ये तो ये किनके करके हुआ है हाल? ये राइडरों का हाल बेकार हुआ है। किसकी वजह से हुआ है ये? ये जोमेटो के एक मैनेजर है, वो स्विगी के अंदर आए हैं, उन्होंने सब सिस्टम बेकार कर दिया। पहले भी तो कंपनी अच्छी चलती थी, पहले तो सही थी, लेकिन जोमेटो का भी बुरा हाल हो गया। जोमेटो ने तो, जोमेटो का तो काम नहीं है शुरू से ही, जोमेटो को भेजा गया उसको जो भी, और आईडी बंद कर रही है सबकी। जो आदमी कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, उस पर पेनल्टी दे रही है पाजी, फिर तो गलत बात है ना। नहीं, ये तो है ही, ये गलत बात है। और उस्ताद तुम क्या कहना चाहोगे? ये कहेगा जो भी कहेगा, कुछ बताओ, बोलो यार, कुछ नहीं कहोगे भाई? मैंने छोड़ दिया इन चीजों को, मैंने बंदी कर दिया, जब पेनल्टी लगना चालू हुई है। अच्छा, मैं नहीं कर रहा, कोई सी भी नहीं कर रहे कंपनी? नहीं, ये अभी कोई सी ज्वाइन नहीं कर रहे पाजी। अच्छा, छोड़ दिए, जब पेनल्टी लगी आईडी बंद हुई है, मैंने छोड़ दिया, मैंने करने का मन ना करा भाई। दिन रात दिन रात काम करने का कुछ हाथ में ना हो तो फिर काम करना बेकार है भाई। ये तो है ही, बिल्कुल भाई। छोटी कंपनी में 2000 अपने आ रहे हैं, वो अपने 25,000 भी कमाओगे ना पाजी, वो भी कम है, 40 भी कमाओगे इस काम में, वो भी कम। गाड़ी वाड़ी का मेंटेनेंस लगाओगे ना, सारा मिला के वही 10-5 हजार रुपए बचता महीने का। साइकिल की आइडिया बंद कर दी, जो बेचारे साइकिल से ऑर्डर मार रहे हैं, उनको इतना लंबा लंबा 12-12 किलोमीटर साइकिल से भेजना,
फूड ठंडा हो जाएगा, पेनल्टी हमारे ऊपर आएगी पाजी। फिर ठंड में काम करना भी 11 बजे जगह से तो नहीं। ठंड में तो भाई मैं भी खुद मना कर रहा हूँ कि भाई कोई भी ना करे, कोई फायदा नहीं है। तुम ठंड में काम करोगे दिन रात में इतनी कोहरे में राइडर और तुम्हें पेनल्टी लगे, फिर क्या फायदा उस चीज का? राइडर जो है रोड पे एक्सीडेंट होता है ना, कंपनी देखने आती है ना कस्टमर, कोई नहीं आता, कोई भी नहीं देखेगा भाई। कोई अपना भाई बंधु देखता है जो राइडर है, पर पेनल्टी वो तुरंत लगा देगी कि खाना फैला कैसे, स्पॉइल हुआ उसको, मेडिकल चाहिए, सब कुछ चाहिए, मेडिकल चाहिए। अब आप एक बार बताओ, आदमी चोटिल है उसको मेडिकल देने आए ना, पे कोई ऑफिस में सुनवाई ना कोई हमारा टीयर, कोई भी नहीं आएगा भाई, कोई भी नहीं आता। आज तक नहीं आया, आज तक हमने टीयर नहीं देखा भाई, 2-6 साल हो गए हमें यहाँ पे, एक टीयर नहीं देखा स्विगी का। एक बात बताओ, कोई ये तो होना चाहिए कि हाँ भाई आईडी कैसे बन, कोई पेनल्टी नहीं, ऑफिस में जाओ टिकट डालो। अगर आपका कोई चालान होता है तो पुलिस वाला आपको चीजें बताते ना, इस चीज का चालान है। जब कंपनी राइडरों की आईडी बंद कर रही तो उसका रीजन बताएगी ना प्रॉपर, जो राइडर की गलती भी नहीं है, आप वो राइडर पे थोप रहे हो तो गलत है ना, ये तो गलत है। आप रीजन बताओ किस रीजन पर राइडरों की आईडी बंद करी है। आपको उदाहरण देता हूँ पाजी, ये मैकडोनल्ड है ना, इसका ऑर्डर आप भी लेके जाते होगे शायद, तो पेप्सी के लीकेज होने के चांसेस 99% होते हैं, 1% सेफ रहता है ऑर्डर इसका। आप बैग में ले जाओ पेप्सी की, हाथ में ले जाओ सिर्फ इसकी पेप्सी की वजह से, और यही ऑर्डर आप थोड़ा दूर ले जाओगे और पेप्सी इसकी निकलेगी तो इसकी गलती थोड़ी रहेगी राइडर की, ये तो अपना काम पूरा कर रहा है, लेके जा रहा है, गिर गया इसकी एडिक्ट थोड़ी है वो, ये तो है। बैग में फैल जाएगा वो तो पेप्सी होती है, वो भी पेनल्टी राइडर देगा। 20 रुपए का ऑर्डर 500 रुपए की पेनल्टी, 400 रुपए अपनी जेब से भरने आता है यहाँ पे, और बहुत से बंदे तो यानी कहाँ से काम करने आते हैं, कभी ठंड में काम कर रहे हैं वो भी नहीं देख रहे। कोहरा देख रहे हो भाजी कितना पड़ रहा है, भाजी चलने का मन नहीं करता। मैं खुद अभी देखे हूं भाई, नजफगढ़ का ऑर्डर मैं खुद मार के आया। ये जो है एक्स्ट्रा देती है 15 रुपए 20 रुपए 40 रुपए, पर वो जो है उसको ही कन्वर्ट कर देती है। और यही अगर राइडर को सुबह मिल जाए कितना बढ़िया हो, नहीं देगी। और ये जो थर्ड पार्टी को काम दे रही है वो यहाँ पे देना जो बैठे हुए हैं, अपने राइडर फ्री बैठे रहते हैं, अपने राइडर को मिलता ही नहीं काम, नहीं देती नहीं, पूरे 12-12 15-15 घंटे काम कराती है भाजी। कोई कंपनी में काम करेगा ना आदमी, कोई भी कंपनी में लिमिट होती है टाइमिंग की, ठीक है, पर इसके अंदर तो आदमी सुबह से घोड़ा बन के, मतलब घोड़ा भी एक बार रेस्ट करता है, इसमें तो कोई रेस्ट ही नहीं है, आपने घर नहीं जा सकता, गधे की तरह काम है इसके अंदर, और काम भी नहीं है, बैठाए रखती है बस 15 घंटे तक तो बिठाएगी, 12-10 घंटे की ड्यूटी है उसके अंदर भी, 15 घंटे 15 घंटे में 800-900 रुपए का काम करवाती है, उसके अंदर भी हमारा ही पेट्रोल, हमारी साइकिल, एक्सीडेंट होना, सब कुछ हमारे लगता है। इस टाइम पे तो ना कोई फायदा नहीं है रात में काम करके, कोई फायदा नहीं है, रिस्की काम है। अभी करंट में तो 99% रिक्शे पर 99 है ही है अभी, मैं खुद धुंध मिस्ट अभी कोई आगे पीछे धुंध करके भाई बहुत बुरा हाल है। मैं तो कह रहा हूँ सभी को भाई, अपना रात में तो कोई काम ही मत करो, कोई फायदा ही नहीं है भाई रात में काम करके, कमाने आ रहा है, डबल नुकसान हो जाएगा भाई, डबल से ज्यादा। पीछे वाला बंदा सोचता है कि लड़का कमाने जा रहा है, पर एक्सीडेंट हो रहा है, कोई कंपनी नहीं है, कुछ नहीं, पाजी यहां तो जान पे बनाती, कभी कभार देखा होगा आपने तो, ये तो भाई अभी आप नजफगढ़ से आ रहे हो तो खुद देख के आए हो। पाजी कल की बात बता दूं आपको, ये मैकडोनल्ड है सेक्टर 5 द्वारका में, कल उसने मेरे को ऑर्डर नहीं दिया, गाली दी पहले तो उसने कि मैं नहीं दे रहा जो बात करना है, स्विगी ने तुरंत 40 रुपए की रिजेक्ट में डालते पेनल्टी दी, सुनवाई नहीं है वहां कोई, कह रही आपके पहले तो मीठी मीठी बात करने के बाद तुरंत पेनल्टी देती है कंपनी, फिर बात नहीं सुनते, तो आपकी पेनल्टी वापसी नहीं होगी, अब तो बिल्कुल नहीं सुनते भाई, पेनल्टी तो रिवर्स है ही नहीं इसमें, रिवर्स नहीं है, अब नहीं है पहले थी लेकिन अब नहीं है, पहले ये टेम्प आईडी है, साइकिल की आईडी बनाते है कोई बंदा तो उसको भी बाइक में कन्वर्ट करके फायदा क्या है, फिर तो आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप बाइक की आईडी कैसे चला लोगे, विदाउट लाइसेंस गाड़ी चला सकते हो दिल्ली एनसीआर के अंदर, जगह जगह ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, कौन भरेगा भाई इसकी जिम्मेदारी, कौन लेगा 12 किलोमीटर तो साइकिल वालों का भी, जो जिनकी साइकिल की आईडी बन रही है ना वो भी समझो एक किस्म की बाइक की आईडी है, प्रॉपर उसने बोला है, हाँ कौन आया था चैट सपोर्ट वाले का, बोल रहा है कि कन्वर्ट हो जाएंगी, किस बेस पे कन्वर्ट होंगे उसका कोई रिप्लाई, वो कन्वर्ट कर देते हैं भाई, लाइसेंस नहीं है विदाउट कुछ भी नहीं है, लेकिन वो तुम्हें शो नहीं करेंगे ना, वो तुम्हें शो नहीं करेंगे भी तुम्हारी बाइक की आईडी है, लेकिन तुम पे ऑर्डर डल जाएंगे बाइक वाले, तो आपको एक चीज तो बोला जा रहा है, बात बताना चाहता हूं सही ना इस चीज के बारे में, मेरी आईडी पे पेनल्टी दी थी 1216 रुपए की, कस्टमर ने खुद कैंसिल करा है, कहता है कि ये जो है ना नजफगढ़ में होता है, द्वारका में खड़ा होके बंदा द्वारका के वही कई लोकेशन डाल के ऑर्डर करके, और कस्टमर अपने फोन से कैंसिल कर रहा है, तो पेनल्टी ठूस रहा है, पेनल्टी दे रहा है राइडर को,
कि आपके रिलेटिव रिलेटिव हम क्यों करवाएंगे, हम खुद काम करने आ रहे हैं, हम कैंसिल क्यों करवाएंगे। 1200 रिलेटिव जब होता है, जब या तो बंदे ने बात ना करी हो, हाँ। जब तुम उनसे बात कर रहे हो फिर कहाँ का रिलेटिव, या तो उनको तुम बोल सकते हो कि हाँ भाई अगर तू ऑर्डर कैंसिल कर रहा है, हाँ। तेरे ऊपर पुलिस कार्रवाई की जाएगी, या तो उस बंदे को धमकाओ, ठीक है। राजनगर में आप चले जाओ, पालम राजनगर है, वो फेक ऑर्डर मारता है, फेक ऑर्डर मारता है, फेक ऐप से ओटीपी बाजार से ओटीपी लेके 15 रुपए खर्च करके, वो साफ कहता है मत देके जाओ, 100 में से 1 राइडर तो देके जाएगा, एक तो देगा, उसकी पेनल्टी 99 की 100 की 100 पेनल्टी आएगी राइडर पे, राइडर उसके पैसे। वो तो कह देगा, कस्टमर की सुनवाई होती है, कस्टमर तो कह देगा जी देखो मेरे को ऑर्डर मिल गया, आपका राइडर करके गया है। आपने सुना ही होगा कस्टमर इज गॉड, ये तो है। राइडर कौन है दादा, ये तो है। और कंपनी हमारी वजह से कमा रही है, हम रात भर यहाँ ना बैठे तो कंपनी ऑर्डर आएगी तो कंपनी जाएगी, कंपनी आएगी, कंपनी का ऑनर आएगा, कौन मैनेजर आएगा, सुपरवाइजर कौन, टीम लीडर आएगा, ये बता। कौन मैनेजर आता है, कोई नहीं। कंपनी का वर्कर जो होता है वो खुश नहीं रहेगा, कंपनी कभी आगे नहीं बढ़ सकती, कंपनी की ग्रो हो ही नहीं सकती। कंपनी की ग्रो तब होती है जब वो अपने वर्कर अपना खुश होता है और सही काम करे, बस कंपनी का वर्कर तो पाजी उस टाइम सही काम करेगा ना, पैसे मिले उसको सही। पाजी आदमी जब काम करता है किस लिए आता है, किसी कंपनी में भी जाता है ना, वो इसलिए जाता है कि भाई पैसा उसका परिवार चले। स्विगी अपना परिवार चला रही है राइडर, राइडरों के भरोसे पे, और तबीयत से ले गई उस टाइम। पिछले साल यहाँ पे कम से कम 500 राइडर हुआ करते थे, रात को आज एक राइडर नहीं है। आप देखा नहीं, हमारी भी आईडिया हम बंद करके बैठे हुए, हमें नहीं करना काम। मैं तो खुद बंद कर दी, मैं खुद बंद करके जा रहा था, मैंने कहा चल अपने, मैंने कहा अपने भाई से मिल के आऊं यार, जो भी बैठे कौन बैठा है जिरी पे जिगरा है, मैंने कहा चलो देख के आता हूं कौन जिगरे वाला बैठा है वहां पे ऑर्डर मारेगा। यहां पे बैठे हो आग के भरोसे, घर चले जाएंगे, लकड़ियां रोक रखा, काम पाजी लोड शेयर सबको दिए जा रहा है, लोड शेयर रैपिडो शैडो फैक्स इन पे काम है, अभी आईडी ऑन करो तुरंत है, काम है, लेकिन काम है इन पे, लेकिन उन्होंने भी अपनी वैल्यू ना कम कर दी, हाँ। पैसे का जो अमाउंट है ना वो भी कम कर दिया, लोड शेयर में चले जाओ, हाँ। लोड शेयर में भी पैसे नहीं है, हाँ। वो भी कह रहे हैं 25 रुपए ऑर्डर मिल रहा है, वो भी 5 किलो, ठीक है। और साइड इफेक्ट चले जाओ, वो भी कहते हैं कि भाई हमारा भी अमाउंट कम कर दिया, हाँ। रैपिडो में चले जाओ, 40 रुपए ऑर्डर मिल रहा था, अब वो भी 20-25 रुपए मिलता है, तो कहीं ना कहीं भाई सभी के सभी राइडर पिस रहे हैं, कोई भी खुश नहीं है, गेहूं के साथ गुण तो पिसेगा भाई, वही सीन है इनका, है कुछ नहीं, राइडरों की कोई सुनवाई नहीं है। पाजी यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं ना तो आईडी तुरंत बंद आएंगे, सब आ जाएंगे, जब उठ के पूरी कंपनी उठकर आ जाएगी कि क्या हुआ, ऑर्डर क्यों नहीं मार, ऑर्डर क्यों नहीं मार रहे, फिर वो अपने भाषण देके यहाँ से चली जाएगी। अब ऐसा सिस्टम एक दिन में सही नहीं होता, एक दिन में आप अपना अपडेट कर दोगे पर राइडर जो कह रहा है उसकी सुनवाई नहीं होगी, वो तो उसी टाइम के लिए हटा दो, सब कुछ हटा दो, एक 50 रुपए का ऑर्डर दो, सब कुछ हटा दो मिंजी, सब कुछ 50 रुपए ऑर्डर दो, टारगेट पूरा करवाओ, 1 किलोमीटर की लिमिट होनी चाहिए, कितना किलोमीटर, हाँ, साइकिल वाले को 5 किलोमीटर दे रहे हो तो चलो भेज रहे हो, वापस जा रहा है 8 किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर जा रहा है, वहाँ से बैग का बजा दो, बैग में फायदा नहीं, 5 जाएगा 5 वापस भी तो आएगा भाई, कहीं रेस्टोरेंट है, कहीं रेस्टोरेंट नहीं है तो वहाँ भेजो ही मत ना, ये बाइक वाले हैं, बाइक वालों को ऑर्डर आप साइकिल पे दे रहे हो, फिर हटवा रहे हो तो उसे रिजेक्ट में डाल लो, हमारा इसके अंदर फॉल्ट क्या है तो बताओ भाई। आप लोग देख पा रहे होंगे वीडियो भाई की, तो एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी आओ, 2 घंटा पहले आओ, अपना काम करो, जितने का हो घर चले जाओ, रात में रुकने का कोई फायदा नहीं भाई, 10-20 रुपए के एक्स्ट्रा, 10-20 रुपए के चक्कर में आप अपने जान से भी हाथ, घर में माँ बाप होते हैं उनसे पूछो, और कुछ नहीं होगा तुम्हारा, ये भैया आए इनसे पूछो, भैया आप बताओ ठंड कितनी है, बाबा बहुत तेज, कुछ नहीं दिख रहा भाई, थोड़ा सा है, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा, ये जोमेटो के भाई हैं ये खुद बता देंगे हम, चलो स्विगी के भाई आप बताओ, जोमेटो वाले भैया ऐसा सब बकाए काल है, जोमेटो को आजा स्विगी का भाई, हां इन्हें बताओ सब का एक ही है, पैसे दे नहीं रहे हैं, 5-5 किलोमीटर का पिकअप करो, 5-5 किलोमीटर दो, बता रेस्टोरेंट के बाहर बैठते हैं कि हाँ जहाँ पे ऑर्डर होते हैं 56-56 रुपए, वहाँ से आउट एरिया भेजती है, अब सोचो साइकिल वाले को यहाँ से द्वारका से 5 किलोमीटर के अंदर भेजा जाता है, पर अब दिल्ली कैंट मायापुरी हरिनगर भेज रही है, दिल्ली कैंट ठीक है, हरिनगर तक भेजती है साइकिल वाले को, दिल्ली कैंट का हो जाए 7 बजे वो भी,
तो ऐसा ना करे कंपनी, काम करवाना है कंपनी को तो ना करे। मैं तो हमें कुछ नहीं, हम तो और कोई कर लेंगे, काम करने वाले की कोई कमी नहीं है। कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें काम मिलेगा नहीं, और कंपनी अपने वो बंदे ढूंढेगी जिसे काम की जरूरत है। बाहर से बंदे आते सबसे पहले ये स्विगी जोमेटो ही ज्वाइन करते हैं। डर नहीं गए क्या? 4 बजे तक करोगे क्या? नहीं, बंद कर रखे। ओके बाजी, ओके ठीक है भाइयों, मिलते हैं, बाय बाय।